मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में पाए जाने वाली लतानुमा गिलोय के पौधे का फूल, पत्ता और जड़ भी फायदेमंद होते हैं। इस पौधे में एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल लक्षण भी पाए जाते हैं, जो शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधा लतानुमा आकार का होता है, जो किसी भी पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। इसे आयुर्वेद और होम मेडिसिन के जरूरी हर्बल पौधा माना गया है। गिलोय में एंटी कैंसर और एंटी बैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं, जिसका उपयोग कैंसर को ज्यादा तक रोकने में किया जाता है। गिलोय एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है और इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। गिलोय टीनस पुलिया बोलते हैं जिसे, और जैसा कि गिलोय का जो उपचार है वो कोरोना काल से ज्यादा हो गया। कोरोना में जो इसने अपना कमाल दिखाया है वो बिल्कुल तारीफ करने योग्य है। गिलोय जो है आम पौधा है, सभी जगह मिल भी जाता है और अपन इसमें इसको घर पे भी इसका उपयोग किया जा सकता है। गिलोय का एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल दोनों प्रॉपर्टी होती है और गिलोय का बहुत विस्तृत उपयोग है। गिलोय वात रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है, एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। बुखार है, सर्दी है, खांसी है, इन सब चीज़ों में वायरल डिजीज जितनी है उसमें सभी में गिलोय का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो गिलोय का उपयोग है वो संधिवात, वात जो है या जिसका रक्त, वात रक्त या जिसका यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा रहता है, यूरिक एसिड में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है। यूरिक एसिड को ये कम करता है, रक्त में अगर यूरिक एसिड बढ़ा है गिलोय का उपयोग किया जाए तो यूरिक एसिड कम करता है। इस प्रकार ज्वर में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है। ज्वर में तो इसे देते ही है, सरसमनी वटी नाम से आती है और गिलोय सत्र के रूप में आता है ना, और गिलोय स्वरस के रूप में भी आता है और इसका पंचांग का उपयोग किया जाता है। लता के रूप में होता है, घर में उमन पाया जाता है, तो अपन गिलोय का उपयोग करें तो इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी, शरीर की इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। गिलोय का बहुत ही विस्तृत अगर कहा जाए तो बहुत विस्तृत महत्व है। तो एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल दोनों प्रॉपर्टी होने के कारण गिलोय बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। इसका सेवन अपन या तो अगर आपके घर में लगी हुई है गिलोय तो हम इसके पत्ते भी खा सकते हैं, डायरेक्ट खा सकते हैं, या फिर इसका जैसे तना हो या फिर पत्ती हो तो तना, पत्ती, फूल, इन सब को लेके इसका स्वरस भी निकाल सकते हैं। इसको कुचल के और कपड़े से इसको क्रश करके और कपड़े से दबा के मतलब स्वरस निकाल के इसको डेली सेवन किया जा सकता है। खाली पेट लेने से बहुत अच्छा रहता है और इम्यूनिटी और डायबिटीज़ में भी इसका काफ़ी अच्छा महत्व रहता है। थैंक यू।